सो गाइज, आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आपको भी बच के रहने की ज़रूरत है। कभी क्रेडिट कार्ड पे, कभी आधार कार्ड अपडेट कराओ, कभी बैंक में ये कराओ, कभी वो कराओ, कभी ये कराओ, कभी वो कराओ, क्योंकि लोग आजकल जो है बहुत ही आसानी से स्कैम में आ जाते हैं और अपना जो पैसा है वो गंवा देते हैं। आज की ये वीडियो इसी बारे में है। हमारे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, निहाल कुमार, जिनका चैनल भी है स्टडी विद निहाल, है ना, कौन बनेगा जीनियस की वीडियोस आप देखते रहते हैं, है ना। उन्हीं के साथ ऐसा हुआ 3-4 दिन पहले, है ना, कि उनको कॉल किया गया, है ना, क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की गई। तो क्या कुछ हुआ उनके साथ और कैसे वह इस चीज़ से बचे, उन्होंने क्या किया, वो सब इस वीडियो में बताएंगे। पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ठीक है, उसके बाद निहाल भाई का रिएक्शन भी सुनेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्कैमिंग की वीडियो है भाई, सब तक शेयर जरूर कर देना। और भाई, कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, आप लोग थैंक यू सो मच, है ना। हमारे 2550 भी कंप्लीट हो गए सब्सक्राइबर, इसके लिए भी आपका थैंक यू, ठीक है, 50 और रह गए हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे 2600, है ना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पर वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। तो क्या बातचीत हुई निहाल और भाई और स्कैमर्स के बीच में, आइए वो सुनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो, दिस इज अ कॉल फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। यू हैव एन आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद 3892। इफ दिस वाज नॉट डन बाय यू, प्लीज प्रेस 9 टू स्पीक टू आवर कस्टमर केयर ऑफिसर नाउ। हेलो, दिस इज अ कॉल फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। यू हैव एन आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद 3892। If this was not done by you, please press 9 to speak to our customer care officer now. Hello, this is a call from ICICI Bank. You have an outstanding transaction from your credit card ending with 3892. If this was not done by you, please press 9 to speak to our customer care officer now. आपके व्यक्तिगत अधिकारों के लिए हम पूरी कॉल। हेलो, आई एम रवि फ्रॉम आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो सर। यस सर। मुझे अभी एक क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आया था, मैंने तो इसमें कोई अप्लाई नहीं किया था क्रेडिट कार्ड, फिर भी मतलब ये इनिशिएटेड बाय यू, मतलब एक आईवीआर कॉल आई थी मुझे। आपने नहीं किया? नहीं नहीं। ओके सर, आप मुझे अपना फुल नेम बताइए, मैं देखता हूँ सिस्टम में। निहाल कुमार सर। यस सर। निहाल कुमार। निहाल कुमार जी, मैंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया था। NEHAL राइट सर? NIHAL सर। ओके सर, निहाल कुमार। ओके सर, होल्ड ऑन द लाइन, अभी देखता हूँ सिस्टम में सर, लाइन पे रहिए। हेलो सर। यस सर। सर, मैं अपने सिस्टम में देखता हूँ कि आपका ICICI क्रेडिट कार्ड है जिसके लास्ट 4 डिजिट है 3892। सर, इसमें एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है, इसलिए आज आपको ऑटोमेटेड सिस्टम से कॉल गई है। अच्छा। यस सर। बट कैसे सर? सर, ये आपका क्रेडिट कार्ड जिसके लास्ट 4 डिजिट 3892 है, सर ये 10 अक्टूबर 2024 को एक्टिवेट हुआ था और सर 15 अक्टूबर 2024 को आपने 43,565 रुपीज की ट्रांजेक्शन करी थी फिनिक्स क्लॉडियम मॉल में एक ज्वेलरी शॉप पर। यस सर, रसीद भी साइन की थी आपने, करी थी? नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो सर, फिर ये किसने किया ट्रांजेक्शन आपके नाम पर? पता नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता मैंने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। सर, आपने ये क्रेडिट कार्ड 10 अक्टूबर 2024 को नहीं लिया जो ब्रांच से? नहीं नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया मैंने सर। हो सकता है फिर किसी ने आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिस यूज करके ये कार्ड एक्टिवेट किया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। सर, कभी आपका आधार कार्ड खोया है कहीं? मेरा आधार कार्ड तो मेरे पास ही है, शायद नहीं खोया। सर, कभी अपने आधार कार्ड की कॉपी किसी होटल में, बैंक में या फिर सिम प्रोवाइडर्स को दी हो सर कभी?
नहीं कॉपी तो खैर ज्यादा किसी को दी नहीं, बस डॉक्यूमेंट बनाने संबंधित थी, इधर दिया है मैंने बस। यस सर, तो सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर हमारे पास काफी केसेस आते हैं, कुछ लोगों के आधार कार्ड खोए होते हैं और सर कुछ लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, जिसकी वजह से सर कुछ लोगों ने हमारे कस्टमर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया। और सर मुंबई पुलिस ने भी बैंक को बताया अगर ऐसे केसेस आए तो हम सबसे पहले कस्टमर और पुलिस को अलर्ट करें, इसीलिए सर आज आपको कॉल भी गई है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, 43,000 का करेंगे भी क्या हम? सर ये आपके नाम पर आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, तो सर इसके लिए अगर आपने नहीं करी है तो आपको सर तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए मुंबई जुहू पुलिस स्टेशन में जहां आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि सर अगर आप 2 घंटे में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको ये पेमेंट भी देनी पड़ेगी और सर बैंक लीगल एक्शन लेगा आपके खिलाफ। और सर ये आपका कार्ड जिसकी लिमिट 3 लाख है, सर अगर इसमें कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हो तो फिर उसके भी जिम्मेदार आप होंगे अगर आप रिपोर्ट नहीं करवाते। अगर आप रिपोर्ट करवा देते हैं सर तो आपको पेमेंट भी नहीं देनी पड़ती और ना ही कोई भी आपका ट्रांजेक्शन हो सकेगी बड़ी, ताकि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके सर। सर मैंने तो की नहीं है तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल मैं कैसे हो सकता हूँ, मतलब समझा नहीं। सर आप ऐसे हो सकते हैं क्योंकि सर किसी ने आपका आईडी मिसयूज किया सर, मे बी इसमें बैंक में बैंक का कोई एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व हो सकता है। जब आप कंप्लेंट करेंगे तो सर जिस एम्प्लॉय ने ये कार्ड एक्टिवेट किया होगा उससे भी इन्वेस्टिगेट होगा। ओके सर। लेकिन सर मुंबई की बात है तो मैं तो वैसे दिल्ली में रहता हूँ, तो मुंबई में कैसे? यस सर आप दिल्ली में रहते हैं? यस सर मुझे बता, आप दिल्ली में रहते हैं? अगर आप नहीं जा सकते 2 घंटे में तो सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर सकता हूँ अपनी हेल्पलाइन के द्वारा मुंबई जुहू पुलिस स्टेशन। आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताइएगा आपका किसी ने आईडी मिसयूज किया है और आपके नाम पर ये ट्रांजेक्शन करी है और कार्ड भी एक्टिवेट किया है और आपने ये कुछ भी नहीं किया, ठीक है सर? तो कर दीजिए सर। तो सर मैं आपको कुछ डिटेल्स देता हूँ, वो लिख लीजिए। कैसे डिटेल? जैसे कि जैसे सर योर क्रेडिट कार्ड नंबर, अगर आपका कार्ड एक्टिवेट हुआ बैंक की लोकेशन, कार्ड ओपनिंग डेट, ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट जिधर ट्रांजेक्शन हुई सर। मेरे पास तो सर अभी फिलहाल पेन पेपर है आपके पास? पेन वेन तो अभी तो नहीं है, अभी तो मैं बाहर आया हूँ। तो सर ये आपके लिए जरूरी है, देखें अगर पेन पेपर मिलता है, नहीं तो सर आप अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर लीजिए और व्हाट्सएप में चैट में लिख लीजिए, क्योंकि हाँ, सर ये रिपोर्ट कर मैं ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सही कह रहे हो आप सर, रिकॉर्ड करके आप कैसे उनको बताएंगे ये मुझे बता दीजिए। नहीं जैसे कि ये मैं इधर रिकॉर्ड कर लेता हूँ फिर वही सुन सुन के मतलब व्हाट्सएप पे जो है लिख लेता हूँ। सर आप रिकॉर्ड करिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता हूँ और आप साथ साथ लिखी जाइए, ताकि सर मुझे भी बताओ आपने क्या लिखा है क्या नहीं। ओके सर, फिर ताकि मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करूँ और आप रिपोर्ट करें और ये कार्ड ब्लॉक किया जाए, क्योंकि सर इसमें कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन होगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। 3 लाख सर इसकी लिमिट है इस कार्ड की। ओके सर। बात सही है, ये तो बात सही है। ठीक है मैं आप बोलिए मैं लिख के चलता हूँ। यस सर। वन मिनट एक मिनट। ओके सर जरा रुक जाइए। ठीक है। यस सर लिखिए। यस सर। तो मैं क्रेडिट कार्ड नंबर लिखिए सर। ठीक है बताइए। 4226 0902 1014 1014 3892 3892. ओके। यस सर। सर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हो गया। विले पार्ले। अच्छा विले पार्ले मुंबई। यस सर। ठीक है। जुहू ब्रांच। कौन सा ब्रांच? जुहू JUHU। अच्छा जुहू ब्रांच। यस सर। ठीक है लिख लिया सर। यस सर। कार्ड ओपनिंग डेट 10th October 2024. ओके।
यस सर, लिख लिया सर। स्पेंडिंग डेट क्या? स्पेंडिंग ट्रांजेक्शन डेट। अच्छा ओके ओके, हाँ बताइए सर। 15th October 2024 ओके। यस सर। अमाउंट स्पेंड, अमाउंट स्पेंड ओके। यस सर। 43,000 43,565 Yes, sir. Okay. Phoenix Palladium Mall, Mumbai, Phoenix Palladium Mall. क्या Phoenix? क्या बोल रहे हैं आप? PHO. हाँ. ENIX. ENIX, okay. Yes, sir. हाँ. Palladium. PALL. PALL. यस सर। हाँ ठीक है। ADIUM. ADIUM ठीक है, हो गया। यस सर, एक बार ये डिटेल्स रिपीट कर दीजिए। डिटेल कार्ड नंबर था कहाँ था ये sir? एक मिनट ठीक है, दिख भी तो नहीं रहा है ना। वैसे कोई बात नहीं, ये मैंने कॉल रिकॉर्ड भी कर ली है अभी सर। ये रिकॉर्ड करके जब आप कॉल पर करते होंगे सर, तो आप डिटेल्स कैसे बता सकते हैं उनको? मुझे ये बता दी, कैसे सुन सकते हैं ये रिकॉर्डिंग कॉल के दौरान? नहीं ऐसा तो सर, इसलिए आप अगर आपको रिपोर्ट करनी है सर तो बता दीजिए, अगर नहीं करनी है तो फिर भी बता दीजिए सर। हमारा काम सर, आपको बताना। करनी तो है वैसे, अगर सब कुछ देख लिया है आप जो समझा रहे हैं मुझे। मैंने सर, अगर आपने लिखा है तो रिपीट कर दीजिए। अगर आप रिपीट करेंगे तो मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर सकता हूँ, ऐसे मैं आपकी कॉल नहीं ट्रांसफर कर सकता। क्योंकि सर, अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है तो आप रिपोर्ट क्या करेंगे उस पर? इसका कोई टोल फ्री नंबर नहीं होता क्या? क्योंकि देखिए मैं एक्चुअली टाइप ही कर सकता हूँ, मैं विजुअली इम्पैक्ट पर्सन में लिख ही नहीं सकता ना। ओके सर, फिर 2 घंटे इंतजार कर लीजिए। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। अभी बैंक लीगल एक्शन लेगा और सर आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है। ओके सर। अरे ऐसा मत करो यार। ओके सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अरे जाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे वो जो स्कैमर है वो निहाल भाई को बोल रहा था कि आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की है मुंबई में, है ना, और 43,000 रुपीज़ कटे हैं आपके, है ना, वो इनिशिएट हुए हैं, वो आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो 2 घंटे के अंदर पुलिस आ जाएगी। ऐसे ही डराया जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं और वो जो है उनको वो अगर वो कॉल ट्रांसफ़र कर देते ना निहाल भाई से, जो डिटेल वो मांग रहा था वो था कि रिपीट करो, अगर निहाल भाई वो दे देते और आगे कॉल ट्रांसफर हो जाती तो आपको बोलते कि आप अपना आधार कार्ड नंबर दो, है ना, आप दिखाओ हमें, वो सब आप दिखाते, आपके पास OTP आता और आपका फ़ोन और अकाउंट हैक हो जाता। तो ध्यान दें कि कभी भी क्रेडिट कार्ड ऐसे नहीं बनता है, है ना। पहले आपके पास मैसेज आता है, ऐसे मैसेज आते रहते हैं, प्रमोशनल मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन वो जो है विदाउट परमिशन जो है उसको नहीं बनाते, मतलब जो विदाउट परमिशन जो है इसको क्रेडिट कार्ड को नहीं बनाते हैं, है ना। तो अभी आपको निहाल भाई का रिएक्शन सुनना है। निहाल भाई भी आप लोगों को कुछ बता रहे हैं कि आप लोगों को कैसे बचना है इस चीज़ से। लास्ट में मैं भी बताऊंगा कि आपको कैसे बचना है, क्या कुछ करना है। तो आइए सुनते हैं निहाल भाई का रिएक्शन, उसके बाद लास्ट में दोबारा से आपसे मिलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है यानी आज का दिन। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए काफ़ी बेकार सा बीता, क्योंकि आज मुझे आ गई थी एक फ्रॉड कॉल, जो कि मैं दोस्तों बहुत डर गया था। मेरे से ICICI बैंक की तरफ से बात किया जा रहा था क्रेडिट कार्ड के लिए। जी हाँ, आपको जैसे कि पता ही है कि क्रेडिट कार्ड के लिए जो है अप्लाई करने के लिए OTP और बाकी डिटेल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे को ऐसा कॉल आया कि उसमें बताया गया कि जैसे कि मेरा कार्ड ऑलरेडी जनरेट हो चुका है और उसमें से कुछ पैसे जो है स्पेंड भी हो चुके हैं। तो यही अभी आगे के वीडियो में पता चलेगा कि कैसे कितने रुपए स्पेंड हो चुके हैं और कौन मुझे जो है फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में विशाल भाई आगे बताएंगे। क्योंकि मैंने ये कॉल रिकॉर्डिंग विशाल भाई को दिया था और मैंने कहा था कि जनता को सतर्क करने के लिए ये वीडियो ज़रूर बनाइएगा, तो उसी विषय में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरे पास कॉल आई, ठीक है, उसमें
IVR ने बोला कि ICICI बैंक के लिए कोई आउटस्टैंडिंग मतलब चार्जेस हैं। आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड के लिए जो है मंथली चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिस हिसाब से आप पैसे यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि लिमिटेड लोग, जैसे कि मान लीजिए जिसकी सैलरी अच्छी खासी होती है वही क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकता है ना, तो जिसके भी फ़िलहाल कोई ऐसी वैसी सैलरी ना हो तो वो करके भी क्या करेगा, है ना। तो ऐसा ही हो गया था मेरा, मतलब ऐसे मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी ऐसी कॉल आई कि हाँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और कार्ड नंबर भी वो बता रहा है और साथ ही साथ कितने रुपए स्पेंड हो चुके हैं वो भी बता रहा है। ये कहीं 43,000 कुछ थे। और वो क्या कह रहा है बताए आपको, किसी ज्वेलरी शॉप पर मैंने ये जो पैसे हैं स्पेंड किए हैं। बताइए इतना फ्रॉड। तो आगे जानेंगे यही कि कैसे क्या हुआ, है ना। बाकी तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरा नाम निहाल कुमार है, बस मैंने उसको नाम बताया था अपना, बाकी कुछ नहीं बताया था। और मेरे को धमकी देता है कि 2 घंटे में FIR कर देगा मेरे ऊपर। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई कॉल्स आती है क्रेडिट कार्ड से संबंधित या कुछ भी, तो अपनी जानकारी शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। अपनी बस नाम बताइएगा कोई बात नहीं, लेकिन आगे कुछ मत बताइएगा, है ना, क्योंकि अगर आगे बताएंगे तो आपके लिए ही जो है हानि हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, OTP शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो गाइस आपने निहाल भाई का रिएक्शन सुन लिया और उन्होंने आपको बताया भी कि आपको क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं, है ना, कैसे आप लोगों को बचना है। तो गाइस कभी भी अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो आप जो है सबसे पहले साइबर क्राइम जो 1530 हेल्पलाइन है वहाँ पे आप कॉल करें, उनको बताएं, या फिर साइबर क्राइम जो GOV.in पर जाके आप कंप्लेंट करें। इसके अलावा आप सबसे पहले अपने बैंक में कंप्लेंट करें, जिस ऑनलाइन पेमेंट जैसे आपने गूगल पे या फ़ोनपे कहाँ से आपने पेमेंट किया उनको बताएं, वहाँ से अपने UPI वगैरह को ब्लॉक करवाएं, है ना। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपने बैंक को बता देते हैं तो आपका बैंक जो है जो ट्रांजेक्शन उसको रोक लेता है, ठीक है, होल्ड कर देता है बीच में, और आपके पैसे आने के चांसेस रहते हैं, है ना। लेकिन अगर आप लेट करते हो तो फिर मुश्किल भी हो जाती है, है ना। तो गाइस बच के रहें स्कैम से, है ना, स्कैमर्स की बातों में ना आए। आजकल बहुत सारे के स्कैम हो रहे हैं, आजकल एक डिजिटल अरेस्ट भी हो रहा है ना, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत टाइम से मैंने सोचा है, ठीक है। तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में मैं आपसे बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल आप क्रेडिट कार्ड, है ना, आधार कार्ड, ये सब आप देता है ना। कभी कभी क्या होता है भाई, कॉल आता है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपका ऑर्डर आया है भाई OTP दो, आप लोग बोलते हैं फ्री में सामान आ रहा है भाई OTP दे देते हैं, है ना। तो OTP अगर आप दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ऑनलाइन स्कैमिंग से बचें, है ना। वीडियो आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।